बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ ग्रेशियस द मर्सीफुल। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? होपिंग दैट ऑल ऑफ यू विल बी डूइंग वेल। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर लेक्चर इज इंट्रोडक्शन टू टेंसेस। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंस? टेंस मीन्स टाइम। इट टेल्स अस दैट एनी ऑफ द एक्शन दैट वॉज परफॉर्म्ड, इन विच टाइम इट वॉज परफॉर्म्ड। टेंसेस टेल अस दैट कि किस वक्त पे कोई काम हुआ था, ये हमें क्या बताती है टेंसेस। के कोई भी एक जब हम जुमला हम बोलते हैं उसके अंदर हमें ये पता चल जाता है कि आइदर द एक्शन वॉज परफॉर्म्ड इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो ये टाइम के बारे में जो हमें बताते हैं ये होते हैं टेंसेस। तो ये जानने के लिए हम पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट आर टेंसेस। इन इंग्लिश ग्रामर वर्ब्स आर ऑफन यूज्ड टू इंडिकेट द टाइम व्हेन एन एक्शन अकर्ड। इंग्लिश ग्रामर में वर्ब्स जो हैं वो ऑफन यूज होते हैं इंडिकेट करने के लिए टाइम को कि किस टाइम पे ये एक्शन हुआ था। द वर्ब्स टेक अप द डिफरेंट फॉर्म्स टू इंडिकेट द टाइम। वर्ब्स, ये हमें कैसे पता चलता है कि प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है? इसमें क्या होता है, वर्ब्स जो होते हैं वो डिफरेंट फॉर्म्स, इनकी फॉर्म्स होती हैं जो कि डिफरेंट फॉर्म्स ये यूज कर होती हैं, जिसे हमें ये पता चलता है कि आइदर इट इज प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ओके, सो दिस इज कॉल्ड, दिस आर कॉल्ड टेंसेस। नाउ देर आर मेजर थ्री डिविजन्स ऑफ टेंसेस, दैट इज फर्स्ट इज प्रेजेंट। प्रेजेंट इज रिलेटेड टू द व्हाट द एक्शन, द टाइम दैट इज गोइंग ऑन, कि जो भी अभी हो रहा है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट टाइम। अदर इज पास्ट, जो कि गुजर चुका है, द टाइम दैट वी हैव स्पेंट, एंड फ्यूचर द टाइम दैट हैज़ टू कम येट, अभी वो नहीं आया, वो आने वाले वक्त में आने वाला है। ओके, सो नाउ हियर देर आर एग्जाम्पल्स, शी गोज टू स्कूल। ओके, सो हियर वी हैव यूज्ड वर्ब गो, इट इज़ हैविंग यू कैन से गो, वेंट एंड गॉन, थ्री फॉर्म्स, एंड इवन गोइंग इज ऑल्सो देयर, बट नाउ वी विल सी दैट इन प्रेजेंट वी हैव यूज्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, शी गोज टू स्कूल, इन पास्ट शी वेंट टू स्कूल, एंड इन फ्यूचर शी विल गो टू स्कूल। सो दीज चेंज इन द फॉर्म्स ऑफ द वर्ब विल टेल अस दैट आइदर द एक्शन वॉज परफॉर्म्ड इन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। सो आई हैव टोल्ड यू दैट देर आर मेजर डिविजन्स, थ्री आर द मेजर डिविजन्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, एंड द सब डिविजन्स आर दीज, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, दीज आर थ्री, एंड एवरी वन इज हैविंग इट्स फोर सब डिविजन्स। ओके, सो प्रेजेंट इज हैविंग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, एंड आफ्टर दैट देर इज फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बिफोर वी लर्न टेंसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो दैट इन अ सेंटेंस व्हाट आर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सो सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट कंटेन्स पर्सन और थिंग परफॉर्मिंग एन एक्शन। सब्जेक्ट एक सेंटेंस के अंदर वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, यानी जिस किसी भी शख्स या चीज़ के बारे में जब हम बात कर रहे होते हैं तो दैट इज आवर सब्जेक्ट। तो इसको हम दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं डूअर ऑफ द एक्शन, हु परफॉर्म्स द एक्शन इज आवर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैन बी नाउन और प्रोनाउन। ओके, सो नाउ हियर इन सेंटेंस एग्जाम्पल्स वी विल चेक दैट व्हाट आर द सब्जेक्ट्स ऑफ द सेंटेंस। जस्ट लाइक हियर, सालिहा इज लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, सालिहा इज डूइंग समथिंग। तो सेंटर इज, सेंटर ऑफ द सेंटेंस ऑन विच आ सेंटेंस
is depending, that is verb. Okay, अब इस verb को, इस action का doer कौन है? Who is the doer? Is Saliha. Saliha is performing this action. Okay, so Saliha is the doer, or we can say this is subject. Okay. After that, there is Abdul Wase works hard. Okay, here works is verb, and who is the doer? Abdul Wase. Abdul Wase works hard. Here in this sentence, Abdul Wase is subject. She plays with toys in free time. Now here you see, Saliha is noun, and here we have, what we have used add for Saliha, she. It is pronoun. She plays with toys in free time. So what is the action? Plays, and doer is pronoun she. This is subject. Okay. He is learning online. He is the subject. This action learning, the action of learning is performed by this boy. Okay. So this is he. This is pronoun, and this is the subject of this sentence. Similarly, we'll see what is object. Object is, an object is a noun or pronoun on which a verb performs an action. So the center of the sentence is verb. So this verb, object, is a noun or pronoun, okay, on which a verb performs an action. This verb, ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है. कहां पे ये एक्शन हो रहा है? इन अ फैक्ट्री. इट फॉल्स एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस. जस्ट लाइक वी सी एग्जांपल, उसामा इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री. सो उसामा इज सब्जेक्ट, इज वर्किंग, वर्क, ये कहां पे वर्क हो रहा है? ये एक्शन वर्ब इज परफॉर्मिंग, यू कैन से एक्शन ऑन विच थिंग? फैक्ट्री. ओके, सो फैक्ट्री इज अ नाउन ऑफ अ प्लेस, and it is working as a object. I is pronoun. I am learning a lesson. This learning, ये जो learning है, ये किस चीज पे जो है perform कर रही है? क्या action perform हो रहा है? Lesson. I am learning a lesson. Okay, I is pronoun and this is subject. I am learning a lesson. Lesson is noun. It is at the end of the sentence and it is object. Ariba loves gymnastics. Loves is verb, और कौन सा जो verb चीज़ है उसको वो like करती है? Gymnastics. Okay, so gymnastics is noun and as well as this is object. Ariba is noun and this is working, this is the start of the sentence. She is doing, and what work she is doing would be object, and Ariba is, the doer is subject. Laiba attends online classes. Okay, so Laiba is subject and online classes is object.